अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको जो है फैब्रिक कलर बनाना बताऊंगी किस तरह से हम घर में रहकर फैब्रिक कलर बना सकते हैं। उसके लिए हमें नीड होगी वाइट पेस्ट की, बाइंडर की और एक्रामाइन कलर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं वाइट पेस्ट का 1 टेबल स्पून लूँगी। अब मैं बाइंडर ले रही हूँ, बाइंडर मैंने 2 टेबल स्पून लेना है। वाइट पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और बाइंडर में ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें जो है एक्रामाइन कलर ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ एक्रामाइन कलर ऐड करने लगी हूँ, मुझे येलो कलर की नीड है तो इसलिए मैं इसमें जो है येलो कलर को ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने जो है एक्रामाइन येलो कलर लिया है, तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मटेरियल आपको जो है इजीली केमिकल स्टोर पे जो है मिल जाएगा, तो आप ये वहाँ से ले सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये मेरा येलो फैब्रिक कलर जो है रेडी है, तो हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको जो है यहाँ पर एक और कलर बनाना बताऊँगी वाइट, तो उसके लिए भी मुझे नीड होगी जो है वाइट पेस्ट की, बाइंडर की और GWRT। ये जो है आपको मिल जाएगा उसी केमिकल स्टोर पर जहाँ पर आपको बाइंडर और एक्रामाइन और सब कुछ मिलता है, तो वहाँ पर ये इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ले रही हूँ वाइट पेस्ट, क्योंकि मुझे वाइट कलर की ज़्यादा नीड है तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून वाइट पेस्ट लिया है। अच्छा, अब मैं जो है 4 टेबल स्पून बाइंडर लूँ, क्योंकि मैंने 2 टेबल स्पून वाइट पेस्ट लिया है तो इसलिए मैं जो है 4 टेबल स्पून बाइंडर लूँगी और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी WRT, ये मैं 2 टेबल स्पून लूंगी। मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये हमारा वाइट कलर रेडी हो गया है। और ये हमारा येलो कलर भी रेडी है। आपने जो है इसको सेव करने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको आपने जो है सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एयर टाइट कंटेनर में जो है वाइट कलर को सेव कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।